विविन ने बोल दिया है चाहत पांडे में क्लास की कमी है और वो हाइजीन भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार जो है ऐसी बात जो है हमने घर में होते हुए सुनी है। अब वीकेंड के वार में या तो ये बात बोले कि फ्राइडे के वार में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी, काफ़ी सारे मुद्दे जो है सलमान खान ने उठाए, और अब जो है आप सैटरडे का वार, वीकेंड का वार जो है वो देखने वाले हैं, जिसमें दिवाली के मौके पे जो है घर वाले दिवाली के मौके पे देने वाले हैं गिफ्ट। पर ये तो बिग बॉस का घर है, गिफ्ट जो है ऐसे वैसे तो होते नहीं है कि मिठाइयाँ होंगी, कोई कपड़े होंगे या गोल्ड की कोई चीज़ होगी, नहीं भाई, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर वार करना पड़ता है। तो गार्डन एरिया में जो है सब लोगों को बिठा लिया है, तो टेबल पे है काफ़ी सारे गिफ्ट्स। तो विवियन को बोला कि आप क्लास का गिफ्ट किसको देना चाहते हैं कि जिसमें क्लास नहीं है, जिसको क्लास की ज़रूरत है। तो इनका कहना ये है कि चाहत में क्लास नहीं है, जो बात होती है उस बात को नहीं, इनका जवाब ही कुछ और तरीके का आता है। पर चाहत का कहना विविन को ये भी है कि भाई इनमें जो है वे ऑफ टॉकिंग की क्लास होनी चाहिए, इनको क्लासेस लेनी चाहिए वे ऑफ टॉकिंग की, इनको बात करने का ढंग नहीं है, ऐसा जो है ये मानती हैं। और तो और जब एलिस को बोला गया कि हाइजीन किस में नहीं है, हाइजीन मतलब कौन नहीं रखता है, तो उन्होंने बोला है कि चाहत नहीं, कि जब ये बाथरूम जाती हैं तब जो है कोई और नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर जो है बोलना शुरू कर दिया चाहत ने कि भाई इन चारों का एक बार कोई कुछ बोल दे तो उसके पीछे ही जो है ये लगे रहते हैं, और तो और उसी के ऊपर जो है ये लोग ओपिनियन भी देते हैं, इनके सेम ओपिनियन होते हैं। पर यहाँ पर चाहत को भी ये बात सोचनी चाहिए, और चाहत ये बात बोल रही है कि नेशनल टीवी पे ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा उछाली जा रही है। इससे पहले जो है करणवीर ने भी बोला था कि एक लड़की के बाथरूम हाइजीन को लेके जो है ये लोग इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है, जब एक्चुअली में टाइम गॉड बनने की डिबेट जो है वो चल रही थी। पर आखिरकार लोग जो है इस वे में नहीं जाते कि भाई अब ये जो बहुत ही पर्सनल चीज़ है, अब बिग बॉस वाले खुद गिफ्ट देते हुए जो है पूछ रही हैं, एलिस को पूछा कि हाइजीन की कमी किस में है, तो उनको भी पता है ना कि भाई वो चाहत का ही नाम लेगी, क्योंकि चाहत ही जो है ऐसी हरकतें कर रही हैं, तो वो भी नेशनल टीवी पे इतनी पर्सनल चीज़ का मुद्दा उठा रहे हैं, किस लिए उठा रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए। तो अगर वो समझदार लोग हैं तो यानी कि ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं है। तो चाहत ने विविन को दिया है गिफ्ट, विविन ने चाहत को दिया गिफ्ट, अविनाश ने रज्जो को दे दिया है गिफ्ट, और पुकी बॉय भी बोला जा रहा है रज्जो को, पुकी बॉय जो है वो बन चुका है। ईशा ने चाहत को दिया, एलिस ने चाहत को दिया, अरफीन ने अविनाश को दिया, बग्गा ने करणवीर को दिया, रज्जो ने शिल्पा को दिया, और शिल्पा ने बग्गा को दिया। तो ये चीज़ें जो है हुई, और जब रज्जो की बारी आई तब रज्जो को पूछा गया कि भाई दिमाग की कमी किस में है, तो इन्होंने बोला है कि शिल्पा में दिमाग की कमी है। तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो है डिसीज़न लिया है, ना कि पूरे घर के लिए। तो ये चीज़ें जो है रजत दलाल बोलते हुए नज़र आएंगे आज फ्राइडे वीकेंड के वार पे, सैटरडे के वार पे। तो आप लोगों की दिवाली कैसी गई बताइए ज़रूर। मेरी भी दिवाली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गई है, और मैंने अपनी दिवाली के मतलब कुछ वीडियोस और फोटोज़ जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड किए हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। और उसी के साथ अगर मेरी दिवाली पूरी देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संडे को आपके पास मेरा व्लॉग ज़रूर पहुँच जाएगा, यानी कि कल। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।